हेलो क्लास, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू करियर टाइम ऑनलाइन कोचिंग। आज की क्लास में इंग्लिश में हमारा सेकंड पार्ट है पैरा जंबल का। और सेकंड पार्ट में जैसा मैंने पहले बताया था आप सबको कि आज करनी है प्रैक्टिस क्वेश्चंस की उन फॉर्मूलों का यूज करते हुए, उन अप्रोचेस का यूज करते हुए जो हम सब ने अपनी पिछली क्लास में पढ़े थे। PQRS टाइप के जो भी क्वेश्चंस हैं बच्चे पैरा जंबल वाले, ये क्वेश्चंस करने जरूरी हैं, भले ही ये आसान हो या कठिन हो। तो एक कोशिश है हम सब की कि जितने भी कठिन सवाल भी हैं तो इनको भी कहीं ना कहीं आसान बनाया जाए उन फॉर्मूलों का यूज करते हुए, और उसके बाद में आगे की कहानी गढ़ी जाए। तो सबसे पहला काम हम लोग ये करते हैं कि जो हमने अपनी पिछली क्लास में दो तीन दिन पहले पढ़ा था, एक बार फटाक से उसको 5 मिनट में कर लेते हैं। क्या 5 मिनट में उसको कर लेते हैं रिपीट, उसका कर लेते हैं रिवीजन, और फिर उसके बाद अपनी कहानी शुरू होगी क्वेश्चंस की। आपकी एक स्लाइड में क्वेश्चन लिखा होगा, आप देखेंगे, कमेंट करके आंसर बताएंगे, कहीं पर समझ नहीं आ रहा है वो सारी बातें आज हम लोग करेंगे। अभी जैसे हमारे साथ देव, ज्योति, प्रियंका, मोहम्मद फहीम, प्रियंका पाल, मोहम्मद तस्लीम है, वेरी गुड मॉर्निंग। अरुण कुमार, वेरी गुड मॉर्निंग। बाकी बच्चों को भी जोड़ो भाई, विष्णु शुक्ला। मैं जल्दी से तब तक रिपीट करता हूँ, ये तो एक वेटेज था जो मैंने आपको बताया था। देन आफ्टर जीरो लेवल से हाईएस्ट लेवल तक जाने ही था, देखा ही था पैटर्न ऑफ क्वेश्चंस। पैटर्न कुछ ऐसा था S1, S6 और बाकी बीच में आपके लिखा होगा PQRS। तो ये सारी चीजें आपको पता ही है, ओके। एंड देन आफ्टर क्या था भाई, जल्दी से देख लो कैसे पता। हाँ, हमने बताया था कि PQRS के क्वेश्चंस में बहुत जरूरी है ये पता करना कि कौन सा पार्ट पहले आएगा और कौन सा पार्ट बाद में जाएगा। तो ये पता करने का भी तरीका बताया था, 7 तरीके हैं, जल्दी से एक बार देख लेते हैं बच्चे। पहला था नाउन प्रोनाउन रिलेशनशिप, जिसका मतलब था कि हमेशा नाउन पहले आता है प्रोनाउन के। दूसरा था क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, अगर कहीं पर टाइमिंग का जिक्र हुआ है तो एक सिक्वेंस में उसको रखेंगे। तीसरा था फुल नेम पार्ट ऑफ नेम रिलेशनशिप, यानी अगर कहीं पे लिखा अर्पित गंगवार और कहीं पे खाली अर्पित लिखा है तो अर्पित गंगवार पहले आएगा, अर्पित बाद में आएगा। चौथा था प्रॉब्लम सॉल्यूशन रिलेशनशिप। पांचवा है प्रॉब्लम सॉल्यूशन रिलेशनशिप, मतलब समस्या पहले समाधान बाद में। और एक पार्ट और था फुल फॉर्म पहले एब्रीविएशन बाद में, जो पीछे रह गया होगा। कॉज एंड इफेक्ट आता है, कारण पहले आता है, रिजल्ट उसका हमेशा बाद में आता है। और इंडेफिनिट आर्टिकल डेफिनिट आर्टिकल रिलेशनशिप, कि इंडेफिनिट आर्टिकल में आते हैं ए और एन और डेफिनिट में आता है द, तो ए और एन हमेशा पहले आएंगे बच्चे और द हमेशा बाद में जाएगा। तो चलिए, अब इतनी बातें हो चुकी थी, तो अब यहां पर आता है मेरा फेवरेट क्वेश्चन। जी हाँ, एक मेरा ये बड़ा फेवरेट क्वेश्चन है, मैं जब भी कभी PQRS कराता हूं, किसी भी क्लास में कराता हूं, तो मैं ये वाला क्वेश्चन जरूर कराता हूं, क्योंकि बड़ा अच्छा लगता है जब कोई बच्चा इसका आंसर बताता है। अब मैं बताऊं, इस क्वेश्चन में PQRS नहीं है, इसमें आपको आंसर पहले आपने सारी 1, 2, 3, 4, 5, 6 पार्ट है आपके सामने बच्चे, क्वेश्चन लिखा है 6 पार्ट है। आप क्या करोगे, पहले इन 6 को पढ़ोगे और फिर जितने हम लोगों ने अप्रोचेस देखे हैं, जितने हम लोगों ने फॉर्मूले देखे हैं कि भैया नाउन प्रोनाउन रिलेशनशिप और फुल नेम पार्ट ऑफ नेम रिलेशनशिप, वो सारी बातें हमने देखी है ना। चलिए मैं ये लिखा हुआ है इतना कर रहा हूं। तो दूसरा काम ये होगा कि आप इसको पढ़ के सीक्वेंस में करेंगे। इसमें ध्यान रखें PQRS नहीं है, तो आपका आंसर कैसे आएगा, आपका आंसर जैसे कुछ इस टाइप से आने वाला है कि सर इसका आंसर BFACED, कुछ ऐसा होगा। आपको एक सीक्वेंस में रखना है। चलिए अब मैं थोड़ी देर के लिए चुप हो रहा हूं, वरना आप भी कहेंगे सर आप चुप तो हो जाए पहले, पढ़ो इसको। ये PQRS नहीं है, ये पूरा का पूरा आपको सीक्वेंस में रखना है। इसमें कुछ नहीं पता पहला पार्ट कौन सा है, इसमें कुछ नहीं पता आखिरी पार्ट कौन सा है, न तुम्हें पता ना हमें पता है। इसमें बस ये करना है कि देखो पहले क्या आएगा बाद में क्या आएगा, और जल्दी से मुझे आंसर चाहिए। पहली लाइन है मिस शीला अराइव्ड एट कीर्तिस होम व्हेन शिया वाज 7। देखो बच्चे, यहां पे शीला लिखा है, यहां पे शिया लिखा है, ध्यान देना। बट इवेंचुअली हर एफर्ट्स वर रिवॉर्डेड,
आज की क्लास में बहुत ही ज्यादा टैलेंटेड स्टूडेंट्स की जरूरत है और मुझे पता है यू ऑल प्रीटी टैलेंटेड, आप सब टैलेंटेड ही हो। बहुत ही ज्यादा टैलेंटेड की जरूरत इसलिए है क्योंकि ये जो क्लास होगी, इस क्लास में कहीं ना कहीं बहुत ही टफ क्वेश्चंस करेंगे। चलिए जी बताइए किसका किसका आंसर आया या नहीं आया अभी तक। क्वेश्चन आपके सामने है, अपना सारा ज्ञान लगाओ, पूरे दिमाग का प्रयोग करो और बता सकते हो तो बताओ। चलिए बहुत बढ़िया, शुरुआत करी है मोहम्मद फहीम ने और मोहम्मद फहीम के अकॉर्डिंग CAFDBE इज द करेक्ट आंसर। मैं लिख रहा हूं तुम सबके आंसर क्या है, CAFDBE। मोहम्मद फहीम के बाद इसका आंसर दिया है मधुरिमा आर्या ने CEAFDBE। देव सक्सेना ने CADFBE। एक आंसर नहीं मिला अभी तक सबका। आखिर क्या है इस सवाल में जो इतने अलग अलग आंसर्स आ रहे हैं भाई। चलिए दिख तो रहा होगा आई थिंक। और कोई आंसर, देव सक्सेना ने रिट्रैक्ट कर लिया भाई अपना आंसर, क्या हो गया। देखो सबसे पहली चीज, इस कहानी में टोटल नंबर ऑफ पर्संस, अगर आपने इस कहानी को पढ़ा तो पहली चीज आती है कि सर टोटल नंबर ऑफ पर्संस इसमें कितने हैं, तो उसका आंसर है मेरे पास कि बच्चे इसमें टोटल तीन लोग हैं। अगर आपको लगता है तो ये है गलत। इस कहानी में टोटल दो लोग हैं, एक है शीला और दूसरी लड़की है सिया कीर्ति। समझ आ रही बात, एक है शीला एक है सिया कीर्ति। शीला एक टीचर है, सिया कीर्ति एक स्टूडेंट। सिया कीर्ति स्टूडेंट किस चीज की है, स्टूडेंट है वो। लिखा है देखो यहां पर कि व्हेन सिया कीर्ति वॉज थ्री ईयर, ये जो पहली बार नाम लिखा ना व्हेन सिया कीर्ति, ये उसका पूरा नाम। तो जब कह रहा है जब सिया कीर्ति 3 साल की थी वो अपनी साइट और हियरिंग खो चुकी थी, तो जाहिर सी बात है बच्चे अगर किसी भी कहानी में शीला टीचर है तो टीचर की एंट्री कब होगी, टीचर की एंट्री तभी तो होगी जब पहले आप प्रॉब्लम बताओगे, क्योंकि टीचर तो सोल्यूशन है, समाधान है। तो प्रॉब्लम सी, इसलिए शुरुआत होगी सी से, ये पार्ट बिल्कुल सबका सही। अब इसमें ध्यान से देखो, वो 3 साल की थी और यहां पे लिखा है शीला वॉज 7, तो क्रोनोलॉजिकली कहीं ना कहीं आप उसको जोड़ सकते हो कि पहले 3 साल आएगा फिर 7 साल आएगा। तो 3 साल में उसने अपनी देखने और सुनने की क्षमता खो दी थी, और ये लाइन कह रही है कि जब शिया 7 साल की हुई तो मिस शीला कीर्ति होम पहुंची। कीर्ति होम क्या है, जैसे किसी का नाम है मदन गुप्ता तो उसके घर के बाहर एक नेम प्लेट लगी होगी जिसमें लिखा होगा ना गुप्तास विला गुप्तास होम गुप्तास मदन, तो यही तो लिखा है यहाँ पे कीर्ति होम। क्यों, क्योंकि सिया कीर्ति थी तो उसके पिताजी भी कीर्ति रहे होंगे, बाई सर नेम कीर्ति रहे होंगे, और कीर्ति रहे होंगे तो कीर्ति होम की नेम प्लेट लगी होगी, वो यहाँ पर लिखा है। अब आप सोचो मिस शीला राइट एट कीर्ति होम व्हेन सिया वाज 7, आपके माइंड में आया सर ये तो 3 लोग हो गए कि शीला कीर्ति के घर गई जब सिया 7 साल की, नहीं 2 ही लोग। ओके राइट आंसर है CAFDBE। चलिए देखते हैं, तो सी से शुरुआत होगी उसके बाद ए आएगा, 3 साल की थी तो ये हुआ, 7 साल की हुई तो मिस शीला उसके घर पहुंची। अब बच्चे जब मिस शीला टीचर है वो घर जाएंगे तो क्या करेंगे, पढ़ाना शुरू करेंगी। तो ये लाइन एफ में देखिए लिखा है शी स्टार्टेड वर्किंग विद सिया हर न्यू स्टूडेंट, उन्होंने सिया के साथ काम करना शुरू किया।
तो सी ए और एफ इतना आ गया, समझ आ गई बात, सी ए एफ खत्म। अब हमारे पास बचा है बी डी और ई, इसमें देखते हैं। अब बच्चे देखो बी में एक पार्ट लिखा है बट, और ये चीजें आपको पता होंगी, ये छोटे छोटे शब्द बड़े जरूरी होते हैं। बट के साथ क्या होता है, बता चुका हूं ऑलरेडी कि बट के बाद अच्छा है तो बट के पहले बुरा, बट के बाद बुरा है तो बट के पहले अच्छा, क्योंकि बट देता है पलट टोन ऑफ द स्टेटमेंट। तो बट के बाद लिखा है इवेंचुअली हर एफर्ट्स वर रिवॉर्डेड। हर कौन है, एफर्ट कौन डाल रहा था, एफर्ट टीचर डाल रही थी, एफर्ट टीचर डाल रही थी मतलब शीला डाल रही थी। तो बट के बाद एक तरह से देखा जाए तो शीला टीचर के बारे में पॉजिटिव बोला गया है, राइट। बट के बाद टीचर के बारे में पॉजिटिव बोला गया है, तो यानी बट के पहले टीचर के बारे में बुरा बोलना पड़ेगा। अब टीचर के बारे में बुरा कहां बोला है, तो आंसर आता ही sometimes the teacher became frustrated, ये बुरा बोला है। तो एक पेयर यहां से बना है, कौन सा, डी और बी का, करेक्ट। डी में टीचर के बारे में फ्रस्ट्रेटेड, ये दिखा रहा है बुरा, और बी में टीचर के बारे में अच्छा, तो डी भी एक पेयर बन गया। और ई में लिखा है शी लर्न टू कम्युनिकेट वर्बली, वो कम्युनिकेट करना सीख गई, तो ये तो कहानी का अंत होगा। तो भैया ई को यहां लिख दिया और डी बी को बीच में डाल दिया, तो बिल्कुल करेक्ट आंसर है सी एफ डी बी। और ये जो सबसे पहला आंसर है, आई एम नॉट श्योर किसने दिया था, शायद मोहम्मद तस्लीम ने दिया था, आपने बिल्कुल सही जवाब दिया, सी ए एफ डी बी ई राइट आंसर है, देख सकते ना, बिल्कुल सही है। तो ये कुछ मजेदार सवाल हैं, कुछ अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आगे और भी मैं आपको दिखाता हूं। अच्छा अब पिछला क्वेश्चन था, आई होप पिछला वाला समझ आ गया, सी एफ डी बी, ओके। अब यहां से शुरुआत होती है जो आपके एग्जाम में एज इट इज क्वेश्चंस पूछे जाएंगे उनकी, क्या है, S1 लिखा है, S6 लिखा है, बीच में PQRS लिखा है। आप देख करके बताएं भैया करेक्ट ऑप्शन कौन सा है। चीजों को समझते चले मेरे साथ साथ में, साथ साथ में समझते चले, आंसर निकालते चले, बहुत जरूरी है प्रैक्टिस करना। मैंने बताया था कि अगर कोई बच्चा किताब खरीद ले, एक मिनट, हाउ टू स्विम, और उसने प्रैक्टिस ना करी हो ज्यादा, तो भैया वो नदी में कूदेगा तो डूब ही जाएगा, इसलिए प्रैक्टिस करना बहुत ज्यादा कहीं ना कहीं जरूरी है, ओके। इसका आंसर दे मुझे, टैलेंटेड बच्चे, टैलेंटेड स्टूडेंट्स, अ बॉय ट्राइड टू डिस्कवर हाउ, अब यहां पर एक शब्द आया है WASP, वास, वेस्ट को बोलते हैं हिंदी में ततैया, या फिर अलग अलग जोन के हिसाब से अलग अलग वर्ड्स यूज होते हैं, है ना, जो पीली वाली जो मधुमक्खी होती नहीं, जो काटते तो बहुत भयंकर लगता है, वही होता है वास। तो पहली लाइन है कि अवॉय ट्राइंग टू डिस्कवर हाउ वेस्ट, वेस्ट क्या है उसका प्लूरल बना दिया, कि हाउ वेस्ट फाइंड देयर वे होम। पहली लाइन ये कह रही है कि एक लड़के ने कोशिश करी है खोजने की कि जो वैस्प है, जो ये ततैया है, ये अपना घर कैसे पहचान जाती है। सही बात है कि भाई इनको कैसे पता कि इनका घर कहाँ था, घर का मतलब छत्ता कहाँ बना है, शहर इतना बड़ा होता है, इनके पास तो मोबाइल भी नहीं होता ना कि अपना GPS ऑन कर लें, तो घर ये कैसे पता कर लेते हैं। बीच में PQRS में दिया है और फिर S6 है, दीज वेस्ट फ्यू स्टेट होम, ओके। शुरुआत में उसको जानने की इच्छा हुई, अंत है कि वो अपने घर चली जाती, यानी बीच में तरीका बताया गया होगा, बताएं क्या तरीका हो सकता है। PQRS में से SQRP, अब आप ABCD करके आंसर दे सकते हैं, SQRP आया विष्णु शुक्ला का, SQRP बोले तो सी वाला, to do this he carried out a test on them, exactly। यहां पर लिखा है बच्चे देखो to do this, अब मैंने बताया था this आएगा तो यानी बात पहले हो चुकी है, कह रहा है ऐसा करने के लिए, तो क्या करने के लिए, तो जाहिर सी बात है यही वाली बात होगी कि घर का रास्ता उन्हें कैसे पता चलता है। तो सही बात है, इस वन के बाद ऐसा आ सकता है, कैरीड आउट अ टेस्ट ऑन देम, ये देम प्रोनाउन है, तो ये प्रोनाउन का नाउन कौन है, यही वॉइस उसके लिए यूज किया, है ना। अच्छा देखो एक चीज और है, यहाँ पे लिखा है फर्स्ट, ओके, और यहाँ पे लिखा है देन, ओके, तो कहीं ना कहीं एक पेयर भी बन रहा है बच्चे, कौन सा, क्यू फर्स्ट, फर्स्ट ही मार्क एज और फिर ही देन पुट देम, क्यू और आर, एक पेयर भी बन रहा है।
और एस से शुरुआत भी होती थी हमें दिख रही। तो अगर इतना है कि एस से शुरुआत होगी और क्यू आर होगा तो बस एस से शुरुआत क्यू आर आंसर, सी वाला पार्ट करेक्ट आंसर है। और लास्ट में बहुत अच्छा लग रहा है कि समय सब ने, मैं जितने कमेंट्स देख रहा हूँ सबने बिल्कुल सही जवाब दिया, बहुत अच्छा लग रहा है ये चीजें देखकर। और फिर मुझे ज्यादा डिस्कस करने की जरूरत नहीं, आप सब खुद ही इतने समझदार। क्वेश्चंस मिलेंगे, इसकी मैं सोच रहा हूँ दो क्लासेस लूंगा प्रैक्टिस के लिए, एक आज एक नेक्स्ट क्लास, और इन दो क्लासेस में थोड़ा सिंपल से बढ़ते हुए डिफिकल्टी लेवल की तरफ चलेंगे, टफ मैक्सिमम लेवल की तरफ हम लोग बढ़ेंगे। उम्मीद करता हूँ सारे बच्चे, जितने भी लोग यहाँ पर जुड़े हैं, आपने सारी की सारी क्लास अटेंड करनी है। ये अब ये तो मेरी दिक्कत है कि मैं कैमरे में देख नहीं सकता हूँ ना कि तुम लोग हो कि नहीं हो, पढ़ रहे हो या नहीं पढ़ रहे हो, लेकिन मेरा भरोसा है कि जितने भी स्टूडेंट्स इस समय मुझे सुन रहे हैं, कोई भी क्लास बीच में नहीं छोड़ेगा, क्योंकि बेहद जरूरी क्लास है। कर्मण्येवाधिकारः से मा फलेषु कदाचिन, ये मत सोचो कि सर एग्जाम कब होगा, रिजल्ट कब आएगा, आप कर्म करो, नेचर का रूल है, कर्म करोगे फल मिलेगा। तो पूरी उम्मीद है कि ये हर एक क्वेश्चन को आप पूरे मन से करो, बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है, कंफ्यूज नहीं होना है, गिव अप नहीं करना है। चलिए क्वेश्चन नंबर टू का आंसर बताएं भाई जल्दी से। QSPR सबसे पहला आंसर आया आदर्श शंखधर का, जो भी बच्चे सबसे पहले बोलेंगे मैं उनका नाम लूंगा। आदर्श ने सबसे पहले जवाब दिया, और बताओ शुरुआत के भैया QSPR, why taking to a group one should feel self confident, any courageous? बच्चे while misprinting है थोड़ा सा, while talking लिखा है, कह रहा है कि जब ग्रुप में बात करो तो एक को बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट फील करना चाहिए। So learn how to think calmly and clearly. It is like the ability to play ball. It is not as difficult as most men imagine. Nor is it a gift bestowed by. और कोई आंसर आदर्श के अलावा? देखो, एक जो हमें पेयर मिला है, it is not as difficult as most men imagine. Nor is it a gift bestowed by providence on only a few. एक पेयर हमें मिला है ये वाला, कैसे मिला, ना तो ये है और ना तो ये, S और P, okay? एक पेयर हमें SP मिला है, अब SP मिला है, SP मिला है, तो चलो ये दो खत्म, क्यों, क्योंकि SP यहां है, SP यहां, okay? अब बात करते हैं QRSP या QSPR, मतलब शुरुआत भी Q से होगी। One should also learn how to think calmly and clearly. शुरुआत भी क्यों से होगी, है ना? क्योंकि दोनों में यही है। बस हमें ये देखना है कि SP वाला तो पेयर है, R वाला पार्ट इसके पहले आएगा या फिर बाद में आएगा, यही तो देखना है खाली कि R वाला पार्ट SP के पहले होगा या फिर बाद में। सेकेंड का B, हाँ स्टार्टिंग फ्रॉम Q है, सही बात है। R वाला B है QSPR, देखते हैं। R वाला पार्ट पहले आ रहा है, it is like the ability to play golf. Any man can develop his capacity if he has the desire to do so. Q, one should also learn how to think calmly and clearly, okay? Or SP, it is not as difficult as nor this SPR. It is like the ability. हाँ जी, तो वही कह रहा है कि एक इंसान को सीखना चाहिए, ये इतना कठिन नहीं है जो SP में बोला। फिर पहले देखो, पहले वो प्रॉब्लम बताएगा और फिर सोल्यूशन बताएगा, ये तो होता है। तो प्रॉब्लम इसलिए बताया कि इतना कठिन नहीं है, सोल्यूशन बताया कहां पे, आर में, कि इट इज लाइक द एबिलिटी टू प्ले गोल्फ, ये समाधान है। तो समाधान हमेशा बाद में आएगा, तो बिल्कुल सही बात है, करेक्ट ऑप्शन है बी। ज्यादा समय नहीं लेते हुए आगे चलते हैं, ये बढ़िया सवाल है, हालांकि बहुत ही छोटी सी लाइनें हैं इसमें, ज्यादा बड़ी लाइनें भी नहीं, ज्यादा बड़े स्टेटमेंट्स नहीं है, लेकिन क्वेश्चन बहुत अच्छा है। ज्योतिष शंकर ने जवाब दिया था, पूनम कुमारी, मोहम्मद तस्लीम, अरुण देव, सबका जवाब बिल्कुल सही था। आगे आते हैं, थर्ड में बताएंगे जी।
क्वेश्चन नंबर थ्री में बताएं क्या करोगे। In 1957, fighting broke out all over the country. ये कह रहा है कि 1957 की बात है, जब पूरे के पूरे देश में एक फाइटिंग संग्राम छिड़ चुका था, लड़ाई झगड़ा शुरू हो गया था। The Rani's troops fought very bravely. देखो बच्चे लास्ट में लिखा है, रानी का जो ट्रूप्स थे, जो रानी की सेना थी, उसने वापस से है ना fought very bravely. तो जाहिर सी बात है इसके पहले क्या आएगा, इसके पहले आएगा कि किसी ने रानी के किले में चढ़ाई की होगी, तो रानी के उसने फिर फॉर बाय ब्रेवली, ये हमें क्यू में दिख रहा है जहां तक। इन मार्च 1958 ब्रिटिश ट्रूप्स अटैक द फोर्ट इन झांसी, ओके अटैक द फोर्ट इन झांसी, तो रानी ट्रूप्स फॉर बाय ब्रेवली हो सकता है, क्यू के बाद S6 हो सकता है, नहीं क्यों से शुरुआत कर रहे हो आप लोग, थोड़ा ध्यान से भाई। Everywhere the people rose in rebellion. The British, okay, British fought back, एक ये भी लाइन है, एक जगह लिखा है रानी fought back, एक जगह लिखा है British fought back, लेकिन रानी का fight back करना है, ये तो last line है, ये तो last line है, तो बच्चे इसके पहले कहीं ना कहीं क्यों आएगा, मार्च 1958 में ब्रिटिश ग्रुप ने अटैक किया रानी पे, तो रानी ने वो किया, ठीक है। अब सुनो, पी और एस में अगर आपसे पूछा जाए क्या हो, पी और एस में तो लोग विद्रोह पे उतर आए, रिबेलियन, लोग विद्रोह पे उतर आए, तो कह रहा है फिर ब्रिटिश ने फाइट बैक किया होगा उनसे, है ना, तो पी और एस भी एक पेयर है, पी और एस भी एक पेयर है, कैसे, Everywhere the people rose in rebellion, मतलब हर जगह जो लोग थे, बहुत ध्यान से समझते चलो, ये कुछ चीजें हैं जहां पे मेरे साथ साथ आपको जुड़ना पड़ेगा, चलना पड़ेगा। कुछ लोग थे, हर जगह लोग विद्रोह पे उतर आए, तो ब्रिटिश जो थे उन्होंने फाइट बैक किया, ओके, तो पी और एस एक साथ होगा और क्यू पे खत्म होगा। अब बताओ ये कहां है, पी और एस एक साथ होगा, क्यू पे खत्म होगा, ए पार्ट में। इस बार आप लोग लोचा हो गया आप सबके साथ। केवल ईयर देखकर आप कर सकते हैं कैसे, 1957 है और 1958 है, तो यहां से एक चीज मिलती है कि S1 पहले आएगा Q, यही तो मिलता है। ईयर में हमने क्या बताया था कि भैया ये पहले ये बाद में। अब जैसे ईयर एक जगह मान लो R में भी लिखा होता 1960, तो हम इसमें देख लेते कि भैया Q में 1958 है, R में 1960 है, तो Q पहले होगा R, लेकिन अभी जो हमें पता चला है S1 पहले होगा Q के, तो S1 वो तो हमें पहले से ही पता है। ईयर देखने का मतलब ये नहीं है कि आप लगातार जोड़ते चले जाओ, ईयर का मतलब पहले बाद में, कौन सा पहले कौन सा बाद में, ये तुरंत आगे पीछे होंगे ये कुछ नहीं पता, ओके। तो करेक्ट आंसर है इसका ए पार्ट। अब जिस भी क्वेश्चन में डाउट हो तो आप क्या करेंगे, आप फिर से पढ़ेंगे आंसर इसका आया पी एस आर क्यू, फिर से पढ़ते हैं। 1957 में हर जगह लड़ाई झगड़े छिड़ गए, हर जगह एवरीवेयर पीपल विद्रोह करने लगे, ब्रिटिश फॉर बैक, ब्रिटिश ने वापस से विद्रोह किया, थाउजेंड्स ऑफ पीपल वर किल्ड इन बोथ साइड। अब देखो यहां पे लोगों ने विद्रोह किया, ब्रिटिश ने वापस से अटैक किया, तो हजारों लोग मारे गए दोनों ही तरफ, बिल्कुल सही लाइन बनी। और फिर इन्होंने बात करी झांसी की कि झांसी पे अटैक किया तो रानी की ट्रूप ने फॉर बैक, जब डाउट है तो फिर से पढ़ लो आंसर आ जाएगा, ओके ए इज द करेक्ट ऑप्शन, सही है। तो ये प्रैक्टिस कहीं ना कहीं हम सबको करते रहना है, जितनी ज्यादा, एक बात बहुत कान खोल कर सुन लो, ध्यान से सुन लो बच्चे, आप जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे ना आपका रिजल्ट उतना ज्यादा बेहतर होगा, तीन सेक्शंस में, PQRS पैरा जंबल में, क्लोज टेस्ट और रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन बोले तो पैसेज, इन तीनों सेक्शन, ये तीनों सेक्शंस मांगते हैं आपसे, जैसे जो ग्रामर के हैं उसमें तो चलो कम प्रैक्टिस होगी लेकिन आपको रूल याद होगा तो आप फिट कर ले जाओगे, क्योंकि इनमें ज्यादा कुछ रूल नहीं चलते ना, इनमें ज्यादा कुछ रूल्स नहीं चलते, तो ये तीनों ही सेक्शंस आपसे एक चीज की डिमांड करते हैं, वो ये कि कितने ज्यादा क्वेश्चंस आपने घर पर बैठ कर अटेम्प्ट किए, जितने ज्यादा घर पर बैठ कर अटेम्प्ट करोगे उतना ही ज्यादा रिजल्ट आपको मिलने वाला है एग्जामिनेशन सेंटर में, ये बात को आप बिल्कुल गांठ बांध दो, जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट इन दीज थ्री टॉपिक्स, पीक्यूआरएस
एंड क्लोज टेस्ट एंड रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन बोले तो पैसेज। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन है, लॉन्ग लॉन्ग टाइम अगो। अब मैं थोड़ा सा आपको जो क्वेश्चंस दिखा रहा हूं थोड़ा जल्दी करना, पहली क्लास है तो मैं सोच रहा हूं थोड़ा सिंपल से शुरुआत करें, आसान सवालों से हम लोग स्टार्टिंग करें और उसको कठिनाई तक ले चलें, जैसा मैंने बताया था 0 to 0 लेवल तक। तो आसान से कठिन का जो रास्ता है वो कुछ ऐसे ही, यहां पर क्या, यहां पर आप पेयर आसानी से बना सकते हो और पेयर आसानी से बनाओगे तो जवाब भी बहुत जल्दी मिलेगा। जैसे मैं इसमें देख रहा हूं पेयर अगर अगर बात करूं, हू लिखा है, हू एक रिलेटिव प्रोनाउन होता है हम सबको पता है, हू के बाद में क्या आएगा जिसके बारे में पहले बात हो रही होगी, हू लिव्ड विद हिज वर्चुअस वाइफ, हिज माने हू के पहले कोई आदमी आएगा। अब देखो कौन सा पार्ट है जो खत्म हुआ है आदमी, ओके, They ruled a noble king who lived with his virtuous wife in a country called Chinchinchu and 7 daughters. तो एक ये नहीं बनना है कि noble king से P बन जाए, R से P बन जाए, बनना है R से P, है ना? They ruled a noble king who lived with his virtuous wife. अच्छा wife और बेटियां ये भी एक साथ होगा, तो P से S, एक pair क्या बना R से P और एक बना P से S, यानी RPS देख लो कहां है, और RPS देखा हमने तो ये है ये, तो 1 और 4 तो गलत, 2 और 3 में देखना है, 2 और 3 में देखना है, 2 होगा B आ रहा है आंसर, QRPS या RPS क्यों, तो इन अ कंट्री कॉल्ड Chinchinchu। अब देखो ये जो प्रेटी ग्रेसफुल एंड वेल वर्स इन फाइन आर्ट्स, ये बातें हो रही हैं उसकी वाइफ की, वाइफ की होंगी या फिर डॉक्टर्स की होंगी, यही तो है, तो यानी जो 6 के पहले वो यही वाली बातें आएंगी, Chinchinchu तो नहीं आ जाएगा, Chinchinchu तो एक देश है ना, तो यानी कि खत्म तो क्यू पे नहीं होगा, तो क्यू से शुरुआत कर दो, सेकंड वन इज द करेक्ट ऑप्शन, एग्जैक्टली। अरुण कुमार गलत है, हटा लो, Chinchinchu कौन सी कंट्री है भैया पता नहीं, इंग्लिश ग्रामर की कंट्री है। चलिए बहुत ही बढ़िया सवाल था, आते हैं नेक्स्ट पे, पेयर्स बनाना सीखो इस क्लास के थ्रू, अपनी प्रैक्टिस के थ्रू, जैसे तैसे ऐसे या वैसे पेयर्स बनाना सीखो, क्योंकि आंसर तो दे लोगे तुम भी और आंसर दे लेगा तुम्हारा दोस्त, और सही आंसर तुम दोनों के होंगे, लेकिन एक का सिलेक्शन होगा एक का नहीं होगा, वो डिपेंड करता है इस बात पर कि किसने कम समय में आंसर दे लिया। तुमने आंसर दिया 1 मिनट में, तुम्हारे दोस्त ने आंसर दिया था 40 सेकंड में, यही 20 सेकंड ही डिफरेंस है बेरोजगारी और रोजगार इंसान के बीच का, यही डिफरेंस है पास और फेल होने के बीच का, खास करके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। व्हेन आई रीच्ड माय ऑफिस to get home early, I phoned my mother that I wouldn't be able to tell her as I had promised. बहुत सिंपल है, बहुत ही आसान है। I phoned my mother, मैंने अपनी मदर को फोन किया to tell her, her pronoun आया मदर के लिए आया QS that, QSR, okay? और able के बाद बच्चे to preposition आता है, तो ये आ गया, तो QSR भी सेकेंड वन, बहुत ही सिंपल, बहुत ही आसान बी। अरे भाई आदर्स कहां की बस पीआर पे क्यों चले गए, आरपी होगा या पीआर होगा, आई वुडंट बी एबल टू गेट होम अर्ली, ये सही है ना, टू गेट होम अर्ली थोड़ी सही है, सेकेंड वन इज द करेक्ट। नेक्स्ट देखते हैं बच्चों, बहुत बढ़िया सवाल है, करते चलो अच्छे से। A 4-year study, एक मिनट, क्वेश्चन नंबर जो ये है हमारा सर, ये बच्चे कुछ नहीं लिखा है, इस पे कंफ्यूज नहीं होना, ये कुछ नहीं है।
थर्ड का करेक्ट ऑप्शन बताओ भाई। अ फोर ईयर स्टडी, आगे सोचो क्या हो। देखो अगर हम ये मान लें कि भैया ये क्या है, ये एक सब्जेक्ट है, तो आगे वर्ब आएगा राइट, और आगे वर्ब आएगा तो वर्ब कहीं ना कहीं यही तो लिखा है वर्ब, कि चार साल का अध्ययन ये बताता है, जताता है, सजेस्ट करता है, नहीं कुछ और है। तो देखो मुझे कुछ पता नहीं भाई, मैं तो कंफ्यूज कर रहा हूं तुम सबको। मध्यमा आर्य का थर्ड का बी आया है, डी आया है, कोई बात नहीं, अदर्स बी आया है। एक चीज तो है, एक चीज जो है वो ये कि सजेस्ट के बाद दैट आएगा, दैट बेबीज फील मोर कंफर्टेबल, बेबीज ज्यादा कंफर्टेबल फील करते हैं कहां पे, अराउंड अदर बेबीज देन विथ स्ट्रेंथ। हाँ बंदो के क्या एस क्लियरली सजेस्ट दैट बेबीज फील मोर कंफर्टेबल अराउंड अदर बेबीज, है ना, देन तो एसपीआर के बाद सिक्स होगा यानी खत्म होगा एसपीआर पे खत्म होगा थर्ड पार्ट। हाँ भाई बताओ, विष्णु का सही है जितना मैं देख पा रहा हूं, बाकी सबका गलत। चलो ज्योति ने भी सही जवाब दिया, अरुण ने भी सही दिया, समझ रहे हो चीजों की नहीं। अरे बहुत आसान है यार, देखो अब ये समझ लो कि फोर ईयर स्टडी है, क्लियरली सजेस्ट, तो सजेस्ट के बाद तो दैट ही आएगा ना, और बेबीज फील मोर कंफर्टेबल अराउंड अदर बेबीज, और मोर है तो दैन यहां आ गया, तो एसपी आर सिक्स, तो एसपी आर पे खत्म, थ्री वाला सही हो गया। कौन सा कठिन है भाई, ध्यान रहे अभी हम कहीं ना कहीं इजी ही कर रहे हैं कंपैरेटिवली, लेकिन जब आपके एग्जाम में 25 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे तो 10 इजी होंगे 15 टफ होंगे, या 15 इजी होंगे 10 टफ होंगे, तो दो क्लासेस होंगी, आज इजी वाली क्लास है, अगली क्लास टफ वाली होगी। मधुरिमा आर्या बस उसमें यही समझ लो कि भैया मोर है बेबीज फील मोर कंफर्टेबल, तो अदर बेबीज दूसरों बेबीज के साथ, है ना, और सबसे लास्ट में लिखा था देन, तो मोर के बाद देन वहां पे आ जाएगा, और एस में लिखा है सजेस्ट, तो सजेस्ट के बाद देन आएगा, समझ आया। चलिए बहुत बढ़िया, आगे आते हैं बच्चे क्वेश्चन नंबर 4 में बताएंगे आप सब लोग जल्दी जल्दी, थोड़ा थोड़ा स्पीड बढ़ाते चलो, आपकी स्पीड ही आपका सिलेक्शन कराएगी, क्योंकि अक्सर मैंने देखा जब भी कभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम का जो सेंटर है एसएससी हो बैंकिंग हो एग्जामिनेशन सेंटर पे आप क्या करो, आप पे एग्जाम नहीं हो तो आप जाके बस जब एग्जाम पेपर छूटे खत्म हो जाए तो आप गेट पे खड़े हो जाओ, और गेट पे खड़े होके कान लगा के सुनो कि जो स्टूडेंट्स बाहर निकल रहे हैं वो क्या कह रहे हैं। मैं बता रहा हूं यार तुम्हें समझ लो 99% स्टूडेंट 99%, अब उस 99% में एवरेज बच्चा भी है, टैलेंटेड बच्चा भी है, सुपर टैलेंटेड बच्चा भी है, टैलेंटेड प्रो लेवल का भी बच्चा, सब तो है ना, लेकिन हर एक बच्चे की जबान से एक वाक्य निकलता है क्या निकलता है कि यार थोड़ा समय और मिल जाता तो मजा आ जाता। हर एक बच्चे की जबान पे ये वाक्य निकलता है, क्यों निकलता है भाई, जाहिर सी बात है टाइम हमेशा कम पड़ता है, तो कम समय में जितनी जल्दी आपने खुद को सही किया उतना ही नजदीक आप अपने मंजिल के खड़े हो, इस बात को समझना होगा जो बेहद जरूरी। चलिए फोर का सबका सी आ गया तो आई थिंक सिंपल है बिल्कुल। अच्छा जी आई हैव नॉट कम टू कंप्लेन, ओके कौन सा सी आ रहा है, टू कंप्लेन ही से टू बी ऑनेस्ट क्यू पे खत्म नहीं होगा, बट द बॉय मस्ट लर्न टू बी ऑनेस्ट एस पे खत्म होगा। हाँ भाई सी वाला आंसर आ रहा है, देखते हैं आर क्यू एस पी सही है कि आई हैव नॉट कम टू कंप्लेन, ओके सही बात है, ही सेड आर क्यू, बट द बॉय मस्ट लर्न क्यू टू बी ऑनेस्ट even if it means some humiliation, exactly सही है,
आरबीएसपी करेक्ट आंसर। उसका शुरुआत यहीं से आर से स्टार्टिंग होगी, बिल्कुल सही है कि ऑप्शन। अच्छा ये भी बात सही, जब हम स्मार्ट वर्क पे जाते हैं तो हमने क्या देखा, विष्णु ने जैसे बताया आई हैव नॉट कम टू कंप्लेन, सही बात। तो आर से स्टार्टिंग होगी और आर से स्टार्टिंग होगी तो एक ही ऑप्शन है जो आर से शुरू हो। लेकिन एक बार के लिए, एक बार के लिए जैसे आपने इतना दिमाग लगाया तो एक बार के लिए जरूर ये कर देना कि जब फाइनल आंसर आ जाए, आपने देखा विष्णु आर से स्टार्टिंग हुआ, आपने कहा आरबीएसपी, तो एक बार पढ़ जरूर लेना, जल्दी से चारों को पढ़ लेना। कई दफा हो सकता है कि हम उतना करेक्टली मेजर ना कर पा रहे हो चीजों को। आदर्श ने बहुत लंबा कमेंट लिखा है, क्या लिखा है सर, कोचिंग का क्या सीन है, आपके दर्शन कब होंगे, आमने सामने सेल्फी नहीं ली बहुत दिन से। हाँ भाई आदर्श, अब यही है, हम उस देश में रह रहे हैं ना जहां पर पिज्जा की डिलीवरी आधे घंटे से ज्यादा हो जाए, लेट हो जाए तो पिज्जा फ्री में मिल जाता है, लेकिन किसी का मर्डर हो जाए तो पुलिस वाले टाइम पे नहीं पहुंचते। हम उस देश में रह रहे हैं जहां पे कार लोन 8% है और एजुकेशन लोन 12% है। तो इस देश के हालात फिर ऐसे हैं कि यहां पर ठेका खुलना कहीं ज्यादा जरूरी है कोचिंग से, यहां पर बार खुलना पब खुलना कहीं ज्यादा जरूरी है शिक्षा से, यहां पर आईपीएल दिखाना ज्यादा जरूरी है क्लासेस से। तो ऐसे सिचुएशंस में आदर्श मेरा भी बहुत मन है हम सब एक बार मिलकर सेल्फी लें, लेकिन हम कहीं ना कहीं बंदिशें लगी हैं सरकार। अब वो बंदिशें कब छूटती हैं, कब शिक्षा का जो मंदिर है उसका दरवाजा खोला जाएगा, उसका घंटा बजाया जाएगा, अभी तक तो खैर घंटा ही बजा रही है सरकार हम सब शिक्षा वाले लोगों का, एजुकेशन वाले लोगों का। देखते हैं, अभी तक उम्मीद थी कि अक्टूबर में खुल जाएगा, अभी भी उम्मीद है 50-50 कि यार अक्टूबर में खुल जाएगा, लेकिन जैसे जैसे बात होती है कि यार स्कूल्स खोले जाएं, कॉलेजेस, चलो स्कूल में छोटे बच्चे हैं, एक बार को मान ली मैंने बात, आप उनको मत खोलो, क्लास 10th तक मत खोलो, लेकिन वो बच्चा क्या करे जिसकी उम्र निकलती जा रही सरकारी नौकरी पाने की, वो क्या करेगा। और जब हर जगह कितनी, अभी मैं सैटेलाइट बस अड्डे पे गया कल दोपहर में, तो 10 मिनट लग गए सिर्फ उस ब्रिज से इधर तक आने में, इतना जाम लगा था। तो और जब कोचिंग खोलने की बात आती है, जब कॉलेजेस खोलने की बात आती है, तो मुख्यमंत्री साहब का कमेंट आता है कि नहीं कोरोना केसेस जैसे बढ़ रहे हैं अभी तो नहीं खोल सकते। भाई कोरोना केसेस कैसे रुकेंगे फिर, आपने अगर रोकना है तो आप स्ट्रिक्ट लॉकडाउन लगा के सब बंद करो ना, तभी तो रुकेंगे। लेकिन आपने क्या कर रहा है, बाकी सब खोल दिया है, बस शिक्षा की बातें ना करो वही बेहतर है। किताबों पे ही चिपका पड़ा है। चलिए 5 का आंसर आ गया सबका, डी, ठीक है। 5 का डी ऑप्शन जो है वो आपका बिल्कुल सही है, SQPR होगा करेक्ट आंसर, SQPR होगा करेक्ट आंसर। और अगर समझ रहे हो, इफ यू आर सीरियस अबाउट इंक्रीजिंग योर वोकैब, ठीक है, ऐसे शुरुआत होगी, एक ही ऑप्शन है। अगले पे आ जाओ भाई। तो जैसे ही परमिशन मिलते हैं आदर्श, वैसे ही हम लोग सेल्फी लेंगे, सबसे पहला काम यही है, जैसे ही खुलने के आदेश मिलते हैं। उम्मीदें बहुत हैं अक्टूबर मंथ से, बाकी लेट्स सी। बताइए भाई इसका आंसर बताओ। What we would like to judge, what we would like to judge, कोई मिल रहा है क्या? गैस तक कर, देखो meanings of the difficult words, phrases and sentence fragments, right? meanings of the difficult words, R के बाद Q,
एंड सेंटेंस फ्रेगमेंट्स ठीक है, और पैराग्राफ। भाई पैराग्राफ कैसे बनता है, वर्ड होंगे, फ्रेज होंगे, सेंटेंस होंगे, तो वहीं से पैराग्राफ बनेगा, am I right? तो आर क्यू पे 6 जा रहा है मेरा, ओके? तो आर क्यू पे खत्म होगा, वो बस यही वाला है, किसी का आंसर आएगा, बहुत ही बढ़िया, बेहतरीन, बहुत ही अच्छा, 6 आए हैं, आशीष यादव का गलत है, बाकी सबका सही है। अब ये देखेंगे ना मीनिंग्स ऑफ, तो क्यू आएगा आर क्यू। अच्छा एक चीज और देख लो, जब हमने आर क्यू पेयर बनाया था तभी आंसर आ गया था, कहीं भी आर क्यू नहीं लिखा है, इसको छोड़ के, और इसमें कोई दिक्कत नहीं है कि मीनिंग्स ऑफ द डिफिकल्ट वर्ड्स, ये तो होगा ही होगा। तो करेक्ट ऑप्शन इसका बच्चे आर ए वन वाला है, मतलब ए वाला है। चले जी आगे आते हैं, हम उस देश के वासी हैं जिस देश में गंगा रहता है। क्वेश्चन नंबर 7 का क्या होगा, बढ़िया सवाल है। सम रिमार्क्स, आप इस पे सोच लो, सोचोगे काफी। हाँ पिछले वाले का बिल्कुल सही बात है, क्योंकि लास्ट टेस्ट के पहले आ रहा, ऑनलाइन मजा नहीं आता है, सामने बैठ के पढ़ने का मजा कुछ अलग होता है, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि एक टीचर जब गुस्सा होता है तो ऑनलाइन में बेचारा कुछ कर भी तो नहीं पाता ना, जब सामने स्टूडेंट बैठ के मस्करी करे तो टीचर भी कुछ कर सकता है, बाकी सारी चीजें तो चलो डिजिटल हो सकती है, लेकिन वो जो पीठ पे इस तरह से मुक्का मारना है वो डिजिटल कैसे होगा, वो तो हमें फिजिकली करना पड़ेगा ना। 7 का डी है, अच्छा जी बढ़िया यार, आप लोग तो बड़े टैलेंटेड हो, विष्णु, मोहम्मद, फहीम, देव, सक्सेना, प्रियंका, सागर, पूनम कुमारी, मोहम्मद तस्लीम। भाई कमेंट में इस तरह से आंसर ना देना कि ऊपर देख रहे हो डी डी, तो अपना भी डी दे दिया। एस क्यू पी आर, सम रिमार्क्स कैजुअली ड्रॉप्ड बाई अ वुमेन पुट द पुलिस ऑन द राइट सेंट एंड दे डिस्कवर्ड। वैसे एक चीज ये जरूर थी, आर से सिक्स का मैच होना है कि नहीं, आर से सिक्स मैच हो जाएगा इस बार, जैसे ब्रिजेश और मुद्री, ब्रिजेश का गलत है खाली, तो आर से सिक्स मैच होगा, डिस्कवर्ड द होल गैंग ऑफ ब्रिगेंड्स, और ऐसे ही है सम रिमार्क्स ड्रॉप्ड बाई अ वुमेन, एस के साथ क्यू का भी सही है, तो फोर्थ वन इज द करेक्ट ऑप्शन, सही है। चलो भाई आगे वाला देखते हैं। एट, एट द एंड ऑफ द लेक्चर लेक्चर के अंत में क्या हुआ, इसमें लास्ट वाले से तो आप नहीं जा सकते हो। सबसे पहली चीज है कि एंड ऑफ द लेक्चर क्या होगा, तो जो स्पीकर है वो थैंक्स ही बोलेगा आई थिंक, तो वन के बाद क्यों आ रहा है, तो एक ही बचा खाली, बाकी पूरा पढ़ लो एक बार, जब भी कभी एक बार से आंसर आ जाए तो उसके बाद हमें क्या करना है, हमें पूरा पढ़ना है ना। कि द स्पीकर थैंक द ऑडियंस, फिर बी फॉर स्पेयरिंग देयर वैल्यूएबल टाइम, फिर एस इन कमिंग टू द मीटिंग एंड, हाँ सही, तो सेकंड वाला है इसका सेकंड पार्ट, बी पार्ट बिल्कुल सही है, और ये बहुत ही अच्छी बात है कि आप सब ने सही से जवाब भी दे दिया। आगे वाला देखो भाई जल्दी से, आगे वाला है क्वेश्चन नंबर 9th है, ऑफ ऑल द नेशंस, क्वेश्चन नंबर 9th में बच्चे फिर से मैं बता दूं, ये कुछ नहीं है,
बस ये इतना ही पार्ट है। और ये इफ नहीं है, एक मिनट, ये ऑफ लिखा है जो पहला वर्ड है नाइन्थ में। ओके सही कह रहा है, इफ ही है वो, सॉरी सॉरी सॉरी। ये स्मार्ट बोर्ड का कमाल देख रहा है, यहाँ पे स्मार्ट बोर्ड पहले चलाने के लिए बहुत सीखना पड़ता है। स्मार्ट बोर्ड में डस्ट करने के लिए बहुत सारे इरेजर्स बन के आते हैं जिसमें हमें सीखना पड़ता है, कभी कभार पूरा पेज गायब हो जाता है। स्मार्ट बोर्ड ने ये तो दे दिया कि आप छोटा सा भी मिटा सकते हैं, एक झटके में पूरा ही मिटा सकते हैं, लेकिन टीचर के मन की उस फीलिंग का क्या होगा जो मार्कर से लिखता था और बार बार डस्टर उठाना ना पड़े तो अपने हाथ से मिटाता था, और फिर हाथ में जो वो मार्कर्स की इंक लगती थी, फिर जब वो क्लास पढ़ाने के बाद जाता था और उस इंक को धुलता था हाथ से, वो काला काला वो जो निकलता था, एक मैल टाइप की चीजें निकलती थी, लेकिन शायद वो ज्ञान था, वो विद्या देने का सबसे महत्वपूर्ण टूल था, वो जो ब्लैक कलर फ्लो होता था उसको देख के जो टीचर के अंदर की खुशी थी, जो दिल गार्डन गार्डन होता था, वो सब ये स्मार्ट बोर्ड कहाँ दे पाएंगे भाई। वो फीलिंग कौन लाएगा पूछती है जनता, भाइयों एवं बहनों वो फीलिंग भी तो लाओ, मार्कर से लिखते समय हाथ गंदे होने वाली फीलिंग्स हमें नहीं चाहिए ऐसे स्मार्ट बोर्ड यार। वो तो मैंने बस इसलिए कराया गया, ये सारी चीजें करी गई ताकि आपको सही से विजिबल। नाइन्थ का बी आ रहा है सबका, आर पी एस क्यू, इज इट राइट। If all the nations work together for the common good of mankind and agree to obey these laws, then हाँ देखो बच्चे, if वाला पार्ट है, यहाँ कॉमा लगा है, तो मतलब ये पूरा if के साथ ही होगा, then they will never fight with each other and there will be no war, exactly Q पे खत्म होगा, R से शुरुआत Q पे खत्म, एक ही पार्ट है second पार्ट, बिल्कुल सही बात। समय के साथ परिवर्तन होता है लेकिन कुछ चीजें ऐसी हैं जो ना ही परिवर्तित हो तो अच्छा है। समय के साथ परिवर्तन हुआ, इंडिया में हम कितने मजबूत रिश्तों में बंधे होते हैं, एक माँ अपने बेटे से, एक हस्बैंड अपनी वाइफ से, यहाँ पर जो परिवर्तन, यहाँ पर जो चीजें चली आ रही है ट्रेडिशनली कब से, कि हमारा 7 जन्मों का रिश्ता है, वो चीज अमेरिका में परिवर्तित हो गई। और जब अमेरिका में चेंजेस हुए, अमेरिका है, इंग्लैंड है, रशिया है, जब वहां पे चूंकि वो डेवलप हो चुके तो परिवर्तन इतना ज्यादा हो गया कि हस्बैंड वाइफ के बीच में रिश्ता अगर 2-3 साल चल जाए तो वो भी बहुत बड़ी चीज मानी जाती है। और वो रिश्ता सिर्फ हस्बैंड वाइफ का नहीं बचा, कहीं ना कहीं एक जो भारत के किसी गाँव में रहने वाली गरीब महिला जिस तरह से अपने बच्चे को पालती पोसती है, वो पालन पोषण अमेरिका या रशिया जैसे डेवलप्ड कंट्रीज में रहने वाली एक अमीर महिला अपने बच्चे के साथ नहीं कर सकती। तो जो माँ और बेटे का जो रिश्ता है वो कमजोर होता जा रहा है, एक भाई भाई का जो रिश्ता है वो कमजोर होता जा रहा है, तो हमें ऐसे परिवर्तन नहीं चाहिए। परिवर्तन होना जरूरी है लेकिन कुछ चीजें हैं जो जैसी हैं वैसे ही बनी रहे, क्योंकि तभी तक आप सेफ, तभी तक आप सुरक्षित। क्वेश्चन नंबर 10th का आंसर नहीं आया भाई, टेंथ का आंसर कौन दे रहा है? कठिन है क्या? नो पार्ट ऑफ दिस पब्लिकेशन मे बी, अरे भाई सिंपल सी बात है, मे बी लिखा है तो मे बी के बाद हमें पता है वर्ग की थर्ड फॉर्म आती है, मे बी के बाद वर्ग की थर्ड फॉर्म आती तो क्या होगा? रिप्रोड्यूस स्टोर्ड इन आर ट्रांसमिटेड, क्यू से शुरुआत है तो एक ही पार्ट है हमारे पास सेकेंड। अब एक बार पढ़ लेते हैं, तो नो पार्ट ऑफ दिस पब्लिकेशन में भी रिप्रोड्यूस्ड स्टोर्ड इन और ट्रांसमिटेड क्यूएस इन एनी फॉर्म और बाय एनी मींस एसपी विदाउट द रिटन परमिशन पीआर
ऑफ द कॉपीराइट ओनर, बिल्कुल सही बात है, रिटन परमिशन ऑफ कॉपीराइट ओनर, ये भी सही मिल रहा है तो सही। 10th का सेकंड पार्ट डी, ओके भाई वही चीज है, मैं भी के बाद कर दो क्यों ये मिला। अब आंसर के थ्रू हमने एक बार फिर से पढ़ा, जस्ट टू यू नो मेक इट श्योर कि वेदर वी आर राइट और रॉन्ग, तो पढ़ के हमें बहुत सारी चीजें ऑप्शन नहीं बता दी, आंसर आ गया, बहुत बढ़िया। ओके चलिए आगे चलते हैं, बिल्कुल सही बात है विष्णु, हर बुक पे लिखा होता है वही से क्वेश्चन बना दिया गया है, बढ़िया बढ़िया ऑब्जर्वेशन। बताओ भाई नेक्स्ट वाले का, After a laborious life, question number 11 है हम सबके सामने, after a laborious life बताओ आगे क्या करें, laborious life के आगे क्या करें, अच्छा देखो He was born, जो कि प्रोनाउन है, He had spent, जो कि प्रोनाउन है, He intended to spend, जो कि प्रोनाउन है, He, his, or his, his. इस पूरे उसमें क्या है, He तो लिखा है, his लिखा है, प्रोनाउन है, लेकिन I think noun इसमें आया है, तो एक जो रूल वही है ना, लैंग्वेज में फ्लेक्सिबिलिटी बहुत होती, तो एक जो रूल हमने पढ़ा था नाउन प्रोनाउन रिलेशनशिप, कि नाउन पहले आएगा प्रोनाउन के, एक ऐसा क्वेश्चन उसने बना दिया जहां पे प्रोनाउन ही प्रोनाउन है, नाउन है ही नहीं, एक्सेप्शन आर ऑलवेज पॉसिबल। क्वेश्चन नंबर 11 का डी आ रहा है, 11 का डी 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 वैसे सबका आ रहा है, विवेक का सी आ रहा है खाली, और अगर अंत में पता चले ना डी हुआ ना सी हुआ तो क्या करोगे, देखो बाद में शुरुआत ऐसे होगी या क्यू से, आफ्टर अ लेबोरियस लाइफ मतलब ये बात कर रहा है कि लेबोरियस लाइफ जो बहुत मेहनती जिंदगी थी उसकी बाद, तो आप ऐसे ही रिटायर्ड इन हिज ओल्ड एज, चलो मान लिया आपकी बात एस, फिर क्या करोगे, ही वॉज बॉर्न, देखो बच्चे एक चीज ये है आर पे खत्म नहीं होगा, ये भी बात सही है, एस से शुरू होगा आर पे खत्म होगा, ठीक है, एंड वेयर ही इंटेंडेड टू स्पेंड हिज रिमेनिंग इयर्स, टी आर क्या है, टू द क्वाइट विलेज वेयर ही वॉज बोर्न, क्वेश्चन नंबर 11 डी आ रहा था, अब लेकिन डी आया है, बात देखिए अगर हम इस पे जा रहे हैं तो ये क्यू वाली जो लाइन है ये कहां रखें, और ये क्या है मोस्ट ऑफ विच ही हैड स्पेंट इन द मेट्रोपोलिस, तो ये लेबोरियस लाइफ की तो बात कर रहा है कि लेबोरियस लाइफ जो ज्यादातर उसने स्पेंड करी थी कहां, मेट्रोपोलिटन सिटीज में, तो इस हिसाब से तो शुरुआत क्यू पे है, खत्म तो खैर आर पे हो गई होगा, एसपी बन रहा है क्या, ही रिटायर्ड इन हिज ओल्ड एज टू द क्वाइट विलेज वेयर ही वॉज बॉर्न and where, हाँ जी यहां से देखो where he was born and where he intended to spend, okay, ये जो बिताना चाहता था remaining years कहाँ पे, अपने उसी शांत गांव में बिताना चाहता था, जो years बिताना चाहता था गांव में, तो भैया Q के बाद S और P का भी pair है, he retired in his old age S to the quiet village and where he was born and where he intended to spend, P और R के खत्म होगा और Q से शुरुआत, तो करेक्ट ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 11 का हमारा सेकंड वाला है बच्चे, बहुत ध्यान से पढ़ते चलें, और अब मैं आपको दे रहा हूं आज की क्लास का आखिरी सवाल, आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है ये, B था उसका करेक्ट ऑप्शन,
थोड़ा ध्यान से चलते चलें। और लास्ट क्वेश्चन है आप सबके सामने, एक क्लास अभी और लूंगा मैं जिसमें मैं कोशिश करूंगा कुछ कठिन इससे भी ज्यादा टफ क्वेश्चंस लेकर के आए जाएं और उनको किया जाए। चलो भाई जल्दी से इसका बता दो 12 का करेक्ट ऑप्शन क्या होगा। अब जैसे 12 सवाल किए हो, सुनो 12 किए हो, अब 12 तुम्हारा जो है 10 प्लस स्कोर आ रहा है 10 से ज्यादा, तो बहुत बढ़िया है। अब 12 में तुम्हारा जो स्कोर है वो अगर 7 से 9 के बीच में है तो भी ठीक ठाक है, थोड़ा सा और इम्प्रोवाइज करने की जरूरत है। अगर तुम्हारा स्कोर 5 के आसपास है, 5 से 6, तो कहीं ना कहीं इसको पुअर परफॉर्मेंस कही जा सकती है कि भाई नहीं सही ट्रैक पे नहीं है। अगर तुम्हारा स्कोर 3 आ रहा है 12 में 3, तो ये तो बहुत ही घटिया स्कोर रहा है ना। और अगर तुम्हारा स्कोर 12 में 3 से भी कम 2 नंबर आ रहे हैं तो भी सवाल आता है तुम हो ही क्यों, तुम्हारा तो अस्तित्व ही नहीं होना चाहिए, और अगर हो तो यहां क्यों हो, कहीं और रहो, आउट ऑफ 12 भाई आप इतने कम थोड़ी सही करोगे। कैसे 12 में मैं देख रहा हूं एक तरफ से सबका करेक्ट ऑप्शन है सी, सी बोले तो आरपीएसक्यू, इज इट ओके, देखते हैं। इट वॉज ऑब्वियस फ्रॉम द हाँ देखो यहां से एक चीज होती है कि कॉमेंट्स जो है वो मेड बाई हिम, राइट, कमेंट्स जो है वो जो कमेंट्स होते हैं वो मेड, कमेंट्स वर्ड मेड का प्रयोग करते हैं, और प्रपोजल्स जो है ड्राफ्ट प्रपोजल्स वो सबमिट करे जाते हैं। तो एक हमारे पास पेयर बन रहा है कौन सा आर पी का, एक पेयर आर पी का बन रहा है, और एक पेयर बन रहा है कौन सा एस और क्यू का, आर पी और एस क्यू, आर पी और एस क्यू हमारे पास है ना, आर पी एस क्यू, अच्छा फोर्थ में भी आर पी एस क्यू, आर पी एस क्यू। तो भैया ऑब्वियस के बाद फ्रॉम द कॉमेंट ही आएगा, शुरुआत भी आर से ही होगी, सही बात है। तो बिल्कुल सही पार्ट है आपका तीसरा वाला, 12th का थर्ड वन इज द करेक्ट पार्ट, करेक्ट आंसर। तो 12 में मैंने बता ही दिया कितने नंबर तुम्हारे आए, तुम्हारा अस्तित्व कहाँ पे लाई करता है, कहाँ पे लाई करता है, ठीक है। और बाकी इसी तरह से क्लासेस को ज्वाइन करते चले। आज की क्लास यहीं पे मैं खत्म कर रहा हूँ क्योंकि समय हो चुका है, विदाई का वक्त आ चुका है। अगली क्लास अभिषेक सर की है जो कि आ चुके हैं, बस जल्दी से 15 मिनट में आप सबके सामने होंगे। सारी की सारी क्लासेस बहुत टाइमली स्टार्ट होती हैं, तो आपको भी सारी की सारी क्लासेस बहुत टाइमली स्टार्ट करनी पड़ेंगी, बहुत पंक्चुअल होना पड़ेगा। एटलीस्ट अपनी पढ़ाई के प्रति तो पंक्चुअल रहो। आप किसी को समय देते हो 5 बजे आऊंगा, जाते 5:30 बजे हो, वो सब चलता है, लेकिन अगर क्लास स्टार्ट होती है 12:15 बजे और आते हो 12:20 पर तो ये नहीं चलता है। इसी तरह से डटे रहें, बने रहें। स्कोर अगर बताना चाहते हो तो बता दो भाई, देव सक्सेना 10/12, मधुरिमा आर्या 9/12, वेरी गुड, पूनम कुमारी 9/12, वेरी गुड, वेरी वेरी गुड, बहुत बढ़िया, 12/12, उम्मीद तो मैं खैर क्या ही करूं, कोई बात नहीं है ना। और चलिए फिर चलते हैं, सब पढ़ेंगे क्योंकि करियर टाइम है तो मुमकिन है। नमस्कार, धन्यवाद।